Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आरएसएसएमबी बोर्ड है उसकी जो एलडीसी की जो इफिशियंसी है वो आने वाली है, उसके बारे में मॉक टेस्ट आपको जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, वो मॉक टेस्ट का लिंक है जो आपको अवेलेबल करा दिया गया है दोस्तों एग्जाम टास्क की इस वीडियो में। आप कंप्लीटली इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और सारी की सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे आराम से यहाँ पर इस पूरे वीडियो के अंदर, और आप मेरे साथ में बने रहिए दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो मुझे जरूरी है और आज से इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी भी है और आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज सबसे पहले मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतने दिनों तक जो कोचिंग वाले बच्चों को गुमराह कर रहे थे, बच्चों को मतलब अलग अलग तरह के प्रश्नों में उलझा रहते, उनका आज पर्दा साफ हो गया है। और आरएसएसएमबी बोर्ड ने यह भी क्लियर कर दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपने मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें भी आपने देखा है कि जो क्वेश्चन आए हैं बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन से पूछे जा रहे हैं। और मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों कि इसी तरीके के एकदम लोकल लेवल के और एकदम लो लेवल के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी अलग पेज पर अलग बॉर्डर लगाना, अलग पेज पर अलग कलर डालना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मैं इतने दिन से रोज डेली बोल रहा था लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और सिर्फ इस कारण यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अलग अलग कोचिंगों वाले ये बता रहे थे कि सर ये ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसे हार्ड क्वेश्चन होंगे। और मैं इतने दिन से ये कह रहा था कि नहीं, क्वेश्चन जो आएंगे वो एकदम बेसिक लेवल के आएंगे। इसी वजह से मैंने बेसिक क्लासें अलग बनाई थी और एडवांस क्लासें अलग बनाई थी। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, एडवांस क्लासों को कर दूंगा हाइड आपके लिए और आपको सिर्फ पढ़नी है ओनली और ओनली बेसिक क्लासेज। और उसके बाद अब हम चलते हैं दोस्तों कि आपको विश्वास तो हो ही गया होगा आपके एग्जाम टास्क आपके लिए हमेशा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताता हूँ आज मॉक टेस्ट और उसके बाद हम चलेंगे फीस का पेमेंट वगैरह कैसे करना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहे और ये जो खबर है मैंने आपको बताई है कि आपके लिए जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोगों के भी मेरे पास जस्ट मैसेज भी आए हैं और लोगों ने बताया कि नहीं सर, आप जो कहते हो 100% आपकी बात सही निकली, और मैं कह रहा था हाईलाइट नहीं होगा वर्ल्ड, और इसके अलावा आपको जो स्क्रॉल है वो भी आपको करना पड़ेगा, ये बात पूर्णतः सत्य साबित हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे मॉक टेस्ट की ओर। तो मॉक टेस्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपको जो मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारे यहां पर जो न्यूज एंड नोटिफिकेशन का सेक्शन है, ये न्यूज एंड नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये एलडीसी एग्जाम 2018 नोटिफिकेशन फॉर एलडीसी ये वाला और ये मॉक टेस्ट, ठीक है, दोनों हम एक एक करके दोनों को अलग अलग देखेंगे और उसके बाद हम फीस का प्रोसेस और एडमिट कार्ड का प्रोसेस भी करेंगे। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप कंप्लीट डिटेल को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो आपके मन के अंदर रह जाए। दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, बता जरूर देना, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना आज, क्योंकि आज हमारी जीत हुई है। जितने भी कोचिंग वाले थे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बच्चों के अंदर फंसा रहे थे, अलग अलग डाउट फंसा रहे थे, उनका आज पूरा पर्दा साफ हो चुका है दोस्तों। चलिए सबसे पहले मॉक टेस्ट पर हम क्लिक करते हैं, मॉक टेस्ट क्लिक ऐप पर मॉक टेस्ट पर हम क्लिक करेंगे। एक न्यू टैब के अंदर आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी और यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू लॉग टाइपिंग मॉक टेस्ट लॉगिन, लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों यहां पर आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको यहां पर डालने हैं, तो आप अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर यहां पर डाल सकते हैं। मैं आपको कोई भी रोल नंबर और एप्लीकेशन डाल करके मैं लॉगिन करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों सबसे पहले लॉगिन करते हैं यहां पर, इसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूं वीडियो को क्योंकि जिसका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और इसे हम शेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं वीडियो को और फिर हम आगे कंटिन्यू करता हूं वापस वीडियो को। तो दोस्तों इस तरीके से ये लॉगिन हो चुका है और लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर लिखा हुआ है मॉक हिंदी टाइपिंग स्पीड टेस्ट, और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं है और आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि कोई वर्ड हाईलाइट नहीं है। इसके अलावा स्क्रोल को भी आपको खुद को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और ये बात मैंने पहले भी बच्चों को बताई थी कि देखो जब भी उसके अंदर माउस का यूज लिखा गया टाइपिंग में तो 100% है अपन को स्क्रोल खुद को ही करना पड़ेगा, और इसी वजह से आज आपके सामने आ गया है कि स्क्रोल आपको खुद को करना पड़ रहा है। ठीक है, और अब ये पैराग्राफ इस तरीके से आपको ऊपर दिया हुआ मिलेगा और नीचे की तरफ
जो ये पैराग्राफ है इसमें आपको अपना डाटा वो टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी अपन, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे मैं कोई भी वर्ड टाइप करता हूँ, जैसे हमारा पहला वर्ड है हमारा, तो मैं हमारा यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, फिर मैंने देश टाइप किया, ठीक है, और फिर मैंने महान लिख दिया, ठीक है, ये सही वर्ड थे, एकदम करेक्ट वर्ड है जो एकदम करेक्ट दिख रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने स्त्रियां हैं, वहां पर अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया और गलत, ये इरर टाइप हो गया, इसके अलावा ये मैंने लिखा तो ये इरर टाइप हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये इरर टाइप जितने भी हुए हैं वो इरर के अंदर काउंट कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी वर्ड हाईलाइट और इस तरीके से अलग से शो नहीं हो रहा है अपन को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो, मैं अगर अगला वर्ड टाइप करूंगा तो उन्हें करेक्ट माना जाएगा, लेकिन जो वर्ड रॉन्ग टाइप किया जाएगा उसको हमेशा गलत माना जाएगा दोस्तों। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अपना स्क्रोल, जो स्क्रोल था वो यहाँ पर अपन को दी गया है, ये स्क्रोल से अपन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा टोटल इस तरीके का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जो 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ओके दोस्तों, अब इसे मैं थोड़ा सा वीडियो पोज कर देता हूँ ताकि 2 मिनट खत्म हो जाती है और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहता है, 2 मिनट हुई नहीं है, ओनली 1 मिनट का दिया है और ये कम्प्लीटली लगभग होने वाला है इस तरीके से पूरा, 3, 2 और ये हो गया हमारा 1 और 0, तो ये इस तरीके से टेस्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। और जो हम रॉन्ग लिखेंगे, अब देखो टेस्ट पूरा होने के बाद जो रॉन्ग जो हमने लिखेंगे उसे अंडरलाइन किया हुआ दिखाएगा कि हमने कितने वर्ड रॉन्ग किए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये पता लगा पाएंगे कि हमने रॉन्ग वर्ड कितने लिखे हैं, तो ये रॉन्ग वर्ड का सारा डिटेल यहाँ पर अपन को पता चल गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट की। देखो जो जितने भी मैंने रॉन्ग लिखे थे वो सारे के सारे जो आपको दिख रहे होंगे ये अंडरलाइन आ गए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये मैंने रॉन्ग लिखा था और ये बाकी के आगे वाले मैंने राइट लिखे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वर्ड अगर स्किप कर जाते हैं और उसके अगले वाला वर्ड लिख देते हैं तो वो आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगला हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि हमने अगर अगला वर्ड लिख दिया और फिर हमें याद आया नहीं पीछे वाला वर्ड अपना छूट गया और वो हम वापस लिखते हैं तो क्या होता है, इसका हम टेस्ट करते हैं अगले इस इंग्लिश वाले में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इंग्लिश टेस्ट की। अब ये इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट यहाँ मैंने क्लिक किया, ये इंग्लिश का आ गया। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने प्रैक्टिस लिखना है तो PRACTICE ये लिख दिया मैंने, इज लाइक, फिर उसके बाद मैंने एन को नहीं लिखा और एक्सरसाइज को लिख दिया, देखिए एक्सरसाइज ये मैंने लिख दिया, और फिर मैं मुझे याद आया फिर मैंने एंड लिख दिया और मंत्र लिख दिया, उसके बाद मैंने एन लिखा। अब ये क्या करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा इसका भी मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। बहुत बच्चों का इस तरह का डाउट था कि सर हम पीछे वाले वर्ड को अगर बाद में वापस हमें याद आने पर अगर लिखा जाए तो सही होगा या गलत होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैंने वापस फोर लिखा, अस लिखा, विच लिखा, और उसके बाद मैंने ब्रिंग को छोड़ के अवर लिख दिया, और उसके बाद वापस BRING ब्रिंग लिखा। अब देखते हैं ये सही होता है, सॉरी ब्रिंग गलत लिख गया वैसे भी, तो हम फिजिकल लिख लेते पहले, PHYSICL फिजिकल लिख दिया, एंड लिख दिया, एंटिटीज लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं मेंटल जो है वो बाद में लिख देता हूँ। अब देखते हैं ये मेंटल सही होता है या गलत होता है, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा वर्ड हमने जो पीछे छोड़ दिया था वो वर्ड अगर हम बाद में टाइप करें तो वो क्या करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, इसका जानकारी हमें इस टेस्ट के एंड होते हैं भी पता चल जाएगी, ताकि आप ऐसी गलती वहां पर एग्जाम में नहीं करो। अगर टाइम पीछे रहा है तो आप ऐसा नहीं करो, इसके लिए मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके दिखा देता हूँ दोस्तों। 43 सेकंड हो रहे हैं, 42, 41, इस तरीके से काउंटडाउन चल रहा है, ऊपर आपका काउंटडाउन चलेगा, ध्यान रहे दोस्तों आप एग्जाम के समय में काउंटडाउन पर ध्यान नहीं दे, इससे ये आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो सकती है, सॉरी डिक्रीज हो सकती है। मिस वर्ड के लिए मैं बहुत आपसे सॉरी मांग रहा हूँ, ठीक है। आपकी स्पीड अगर आप काउंटडाउन को देखेंगे तो हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि ये आपका माइंड को डाइवर्ट कर देगा कि टाइम कम रहा है, टाइम कम रहा है, और मोस्टली आप गलतियां कर देंगे। आपने देखा होगा कि मोस्टली गलतियां जो लास्ट 1 मिनट के अंदर होती है, तो आप इस क्लॉक को हमेशा नजरअंदाज कर दें ताकि आपकी स्पीड पर कोई इसका साइड इफेक्ट ना पड़े, ठीक है दोस्तों। अब रहे 7 सेकंड, 6 और 5, इस तरीके से 4, 3, 2 और ये 1 और ये एंड हुआ। तो अब देखिए, अब देखो मैंने मेंटल बाद में लिखा था लेकिन ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ है ना, और यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस लाइक एक्सरसाइज एंड मंत्र, और ये एन भी मैंने देखो जहाँ एन कहाँ लिखना था मुझे, यहाँ लिखना था लाइक के बाद में, लेकिन ये एन मैंने बाद में लिखा तो ये रॉन्ग वर्ड काउंट हुआ है। इसलिए आप पहले वर्ड अगर स्किप कर जाते हैं तो उसका और आगे वाला लिख लेते हैं तो उससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले वाला वर्ड अगर बाद में कहीं लिखते हैं तो वो वर्ड आपका रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए दोस्तों ऐसा आप काम नहीं करें, ठीक है। तो ये हमारा टाइपिंग टेस्ट का कंप्लीट डेमो में हमने आपको दिखा दिया। अब मैं इसे कर देता हूँ लॉग आउट और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इफिशियंसी टेस्ट की ओर। ये हमारा हो गया लॉग आउट हो चुका है, और यहाँ पर कुछ ये इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो आप पढ़ लें, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा था इफिशियंसी टेस्ट का, तो मैं आपको वापस यहीं लेके चलता हूँ।
अब था क्लिक हेयर फॉर सैंपल क्वेश्चन फॉर एफिशिएंसी टेस्ट। ये एफिशिएंसी टेस्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ इस तरीके का। ये है पैराग्राफ जो आपको मिलेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह की भ्रांति नहीं पालें कि आपको पैराग्राफ भी उसमें लिखा हुआ मिलेगा। नहीं, पैराग्राफ पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर मिलेगा एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, मतलब एमएस वर्ड के जैसा सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपको मिलेगा। और आपको पेपर पे मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक मार्क के, दो मार्क के, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक एक मार्क डिनोट किया गया है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो शायद 25 क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होगा, उनका मार्क इंक्रीज किया जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। देखो पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। द्वितीय पैराग्राफ को इटैलिक फॉन्ट इफेक्ट दीजिए, तो ये इतना ईजी है कि आप आसानी से कर सकते हैं। इतने दिन जो आपको कोचिंगों वाले भ्रमित कर रहे थे कि पहले अगर पैराग्राफ के अंदर ये करना है, बैकग्राउंड कलर अलग करना है, वो ये अलग करना है, टेबल की रो हाईलाइट होगी या टेक्स्ट हाईलाइट होगा, इस तरीके के हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग में ठूंस देते हैं, जिससे आप इस तरह के कंफ्यूज हो गए थे कि मानो आपको कोचिंग ज्वाइन करना अनिवार्य हो गया हो, ठीक है। और इंग्लिश का इस तरीके का आपका पैराग्राफ रहेगा, और यहाँ पर इस तरीके के दो क्वेश्चन आपको एक सैंपल के रूप में दिए गए हैं, गिव बोल्ड इफेक्ट फर्स्ट एंड अंडरलाइन इफेक्ट टू सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और खास बात जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, उस आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि एक खास बात आपको मुझे बतानी है, आपके लिए बहुत शानदार तोहफा मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। अब हम चलेंगे किधर, नेक्स्ट स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है उसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह और मिले हैं। जैसे मैं हम वापस यहाँ पर चलते हैं, और ये डाउनलोड डेवलिस, अगर जिनके पास डेवलिस 010 फॉन्ट नहीं है वो यहाँ से कर सकते हैं। और एक्चुअल एग्जाम के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक्चुअल इंस्ट्रक्शन ये होंगे कि आप वहाँ पर एग्जाम में जाने के बाद लॉग इन करोगे, वहाँ आपको 3 मिनट का प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का, जिसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट आप करोगे। उसके बाद आप की वेटिंग स्क्रीन आएगी, क्या आएगी, वेटिंग स्क्रीन। प्रैक्टिस टेस्ट में आप क्या करोगे, अपना कीबोर्ड माउस वगैरह सब चेक कर लोगे कि हमारा कीबोर्ड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके की सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी, जिससे कि आप वहां से चेक कर लोगे, ठीक है, कीबोर्ड और माउस को अगर नहीं कर रहा था आप वहां पे चेंज करवा सकते हो। उसके बाद आएगी वेटिंग स्क्रीन, वेटिंग स्क्रीन के बाद में आएगी आपका हिंदी की टाइपिंग स्पीड सबसे पहले होगी दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में देख लें कि हिंदी की स्पीड आपकी सबसे पहले होगी टाइपिंग की। उसके बाद प्रीव्यू होगा, उसका कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी कि आपने कितने वर्ड टाइप किए, जो भी आपने देखी होगी मेरे सामने कि कितने राइट वर्ड है, कितने रॉन्ग वर्ड है, किस तरीके से आपने कितना डाटा टाइप किया, वो प्रीव्यू और कंफर्मेशन स्क्रीन आपके सामने 1 मिनट के लिए रहेगी। उसके बाद वेटिंग स्क्रीन आएगी 2 मिनट की, यानी 3 मिनट का गैप यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के बीच के अंदर, और फिर हमारी इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों टोटल 3 मिनट का गैप मिल रहा है दोनों टाइपिंग के बीच में, तो 3 मिनट के अंदर आप अपना हाथों को रेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद वापस 1 मिनट का प्रीव्यू आएगा कंफर्मेशन वाला, और उसके बाद में वेटिंग स्क्रीन आएगी 3 मिनट की, ठीक है। देखो हमें दोनों टाइपिंग टेस्ट के बीच में जो आपको गैप मिल रहा है वो मिल रहा है 3 मिनट का, और टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के जो बीच में गैप मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 4 मिनट का गैप। किस तरीके से, ये 3 मिनट का, ये देखो ये वेटिंग स्क्रीन आएगी और 1 मिनट का आपको कंफर्मेशन, तो 4 मिनट का टोटल आपको गैप मिल रहा है। उसके बाद आपका हिंदी का एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो 10 मिनट का होगा, और उसके बाद उसका प्रीव्यू आएगा 1 मिनट का, और 3 मिनट फिर वेटिंग स्क्रीन, मतलब 4 मिनट आएगी, ठीक है ना। और इसके बाद इंग्लिश का एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद उसका प्रीव्यू आएगा, फिर अपलोडिंग स्क्रीन आएगी, और उसके बाद जितने भी आपने काम किया उसे अपलोड करना होगा तो अपलोडिंग स्क्रीन आएगी, और उसके बाद रिटर्निंग एफिशिएंसी क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी टू इनविजिटर, जो इनविजिटर होगा आपका, उस इनविजिटर होगा उसे आपको अपने जो पेपर होगा, जो आपका पेपर होगा एफिशिएंसी का, उसे आपको रिटर्न करना होगा, और उसके बाद में आपका एग्जाम ओवर होगा। तो इस तरीके से स्टेप कंप्लीट होंगे दोस्तों। आप अगर पेपर लेकर के बाहर आ जाते हैं या पेपर वहां पर रिटर्न नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इस बात की आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिली वो ये है कि आपको टाइपिंग टेस्ट के बीच में 3 मिनट की वेटिंग मिल रही है, मतलब 3 मिनट का आपको रेस्ट मिल रहा है, और एफिशिएंसी टेस्ट के पहले आपको 4 मिनट का रेस्ट मिल रहा है, इस बात का आप ध्यान रख लें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं वो आपको मैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा लैब में यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन आपको करना है, और तत्पश्चात परीक्षार्थी का अभ्यास परीक्षण हेतु 3 मिनट का समय मिलेगा जहाँ माउस कीबोर्ड और उसकी जांच कर लेगा। उसके बाद 400 शब्दों का पैराग्राफ हिंदी के लिए मिलेगा, फिर आपको 3 मिनट का गैप मिलेगा। ध्यान रखें बैक स्पेस से आप सुधार तब तक कर सकते हो जब तक कि आपने एंटर या स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वर्ड पर नहीं गए हो तब तक आप उस वर्ड को करेक्ट कर सकते हो, अगर आपने उस वर्ड को टाइप करके नेक्स्ट वर्ड पर चले गए तो आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है।
और इसके अलावा जो संपूर्ण पैसेज को टाइप करने के लिए ऊपर के पैसेज को स्क्रोल आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। और यहाँ पर क्या है कि हिंदी गति परीक्षण पूर्व करने के बाद परीक्षार्थी को अपनी टंकित सामग्री के प्रयोग के लिए एक स्क्रीन प्राप्त होगा। ठीक है, ये मैंने सब आपको ऊपर बता दिया कि क्या क्या प्रोसेस होगा और फिर 2 मिनट का वेटिंग आएगा। ये सारी डिटेल मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है और टोटल मिलाकर के बात यहाँ पर जो कही गई है वो यही है। पूरा इस डायग्राम से आप समझ सकते हो दोस्तों कि आपको टाइपिंग के पहले 3 मिनट का गैप मिलेगा, दोनों टाइपिंग के पहले 3 मिनट का हिंदी के पहले मिल जाएगा, 3 मिनट का इंग्लिश के पहले मिल जाएगा गैप, और एफिशिएंसी के पहले आपको मिल जाएगा 4 मिनट का गैप दोनों के पहले। और उसके बाद में एंड में आपको पेपर हैंड ओवर करके और एग्जाम अपना ओवर करना है अपलोडिंग स्क्रीन के बाद में। तो दोस्तों ये थी हमारी एग्जाम की पूरी प्रोसेस। अब हम चलते हैं फीस कैसे जमा करानी है, एडमिट कार्ड कैसे लेना है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इस सवाल का भी आंसर मैं आपको अच्छे से दूंगा। अभी तक आपके सामने कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए तोहफा जरूर लेकर आया हूँ, एक खास तोहफा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फीस की तरफ कि फीस किस तरीके से जमा करानी है, और फीस जमा कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी SSO ID पर। ठीक है, तो फीस SSO ID से जमा होगी। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फीस है कितनी, वो जानकारी हम यहाँ से ले लेते हैं कि क्या फीस है क्या नहीं है, वो सारी जानकारी आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि। तो दोस्तों फीस के लिए सबसे पहले आपको PDF में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर फीस का जो आपको बताया गया है वो कितना फीस बताई गई है, वो सारी जानकारी। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो फीस की जो जानकारी है वो आपके सामने आ गई होगी, और ये स्क्रीन आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ कि कितनी फीस आपको जमा करानी है, ये आपकी फीस है टोटल। ठीक है, जो भी जिस कैटेगरी से है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग 450, 350 और 250 रुपए की फीस तय की गई है। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसे पढ़ करके उसके बाद में अपना फीस जमा करवा सकते हैं। अब फीस जमा करवाने कैसे है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है SSO ID पर, SSO ID पर चलते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आपको गूगल में जाकर के SSO सर्च करना है और राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक लॉगिन खुलेगा, यहाँ पर आपको आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर इनपुट करना है। तो दोस्तों आईडी और पासवर्ड में इनपुट कर देता हूँ, उसके लिए 2 मिनट 1 सेकंड के लिए फ्यूज करता हूँ वीडियो को, और आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद फिर से वापस आपके सामने पैसा। तो दोस्तों ये आपकी SSO ID खुल गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको दिखेगा वहां पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। अगर रिक्वायरमेंट पोर्टल नहीं मिले तो आप OLAPS में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट पोर्टल ऐसा कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा, और जैसे ही रिक्वायरमेंट पोर्टल आपका खुलेगा तो रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर आपको फीस के लिए एक लिंक दिया गया है जो वहां पर मिलेगा आपको। आपको यहाँ पर आपका फोटो और साइन इस तरह आपको दिखाई देगा, और इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी वगैरह ये सारी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। अब आपको यहाँ टॉप के अंदर यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दिखाई दे रहा है, उस एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा है फेल्ड, जिन्होंने बार बार पेमेंट किया था पहले उनके लिए फेल लिखवा रहा है। तो आप यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करें, और पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी, और सारी डिटेल मिलने के बाद आपको रिट्राई पर क्लिक करना है। जो जिन्होंने पेमेंट के लिए पहले 2-3 बार कोशिश कर ली उनके लिए रिट्राई करना पड़ रहा, नहीं तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पर आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी है और पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस प्लस सर्विस चार्ज के साथ में आपको टोटल जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और आपकी बैंक के लिए आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैंक का अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक में लॉगिन करते हैं और फीस जमा करने के बाद क्या आता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले फीस इसके अंदर एंटर कर देता हूँ और उसके बाद इसकी फीस सबमिट करता हूँ, उसके बाद आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फीस का पेमेंट है वो सक्सेसफुल लिखा गया है, और रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर मिल गए हैं, और इसके अलावा जो डेट और टाइम है वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसे PDF में सेव करके रख लेता हूँ कंप्यूटर के अंदर, और ये 1 मिनट के लिए प्रीव्यू दे रहा है। ठीक है, फीस आपकी यहाँ से सबमिट हो गई है। ये प्रीव्यू फेल हो चुका है, वापस में एक बार लोगे वापस एक बार के लिए प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट कर लिया, इसे जहां भी ये बोलेगा वहां प्रिंट कर देंगे इसे और सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वापस बैक चलते हैं, और यहाँ पर कुछ एग्जाम के बारे में ये लिखा हुआ आ रहा है, डिटेल वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपका। उसके बाद हम बैक माई रिक्वायरमेंट वापस चलते हैं, और माई रिक्वायरमेंट पर जाने के बाद एडमिट कार्ड पर वापस चलेंगे। ये एडमिट कार्ड पर हम गए, और एडमिट कार्ड जाने के बाद
आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सून लिखा आएगा, इसका मतलब है कि आपको जल्दी एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल नहीं हो पा रहा अभी, लेकिन जैसे ही आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपको एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी प्रोसेस। और अब बात आती है लास्ट के अंदर हमारे धमाके की। तो दोस्तों धमाका यूँ है कि आपके लिए जो खास तोहफा मैं लेकर के आया हूँ, आपने इतने दिन तक एग्जाम टास्क से पढ़ाई की है और एग्जाम टास्क आपके लिए आपको पता है बेहतर करता है हमेशा, तो मैंने पहले से जो प्लानिंग आपके लिए कर रखी थी और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट जो आ रही थी उसके आधार पर हमने ये किया है कि एक जो हमने पुस्तक लॉन्च की थी सबसे पहले LDC दक्षता जो हमारे द्वारा लिखी गई थी और एग्जाम टास्क की बुक थी जिसने आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, उसी बुक की तर्ज पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे सर इसका पार्ट टू भी लॉन्च करो, सर इसका पार्ट टू लॉन्च करो। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस बुक का पार्ट टू, और दोस्तों उसका लॉन्च आपको एक या दो दिन के अंदर मैं कर दूंगा। और उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये जानकारी आप ध्यान में रख लें कि आपको मिलेगा उसके अंदर एक तो हिंदी के अंदर 100 क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के और उनमें से कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपके सामने। और ये दूसरा मिलेगा इंग्लिश के अंदर 100 क्वेश्चन जो प्योरली इंग्लिश के होंगे, दोनों के इस बार मैंने अलग अलग करने की तैयारी की। और ए डिजिट एग्जाम जैसा का जैसा आपको पेपर देखने को मिलेगा ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और पहले वाली बुक भी आपने देखी होगी, बहुत शानदार तरीके से हिट भी रही है बुक अपनी, और सभी बच्चों ने मतलब इसकी अच्छाई और प्रशंसा भी की है बुक की, और अच्छा आपको देखने को मिला, जिन्होंने परचेज किए उनको भी देखने को मिला होगा बहुत अच्छा, ठीक है। और अब मैं आपके लिए जो लेकर के आ रहा हूँ बुक, इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अलग अलग पेपर बना के दूंगा 100-100 क्वेश्चनों के इसी बुक के अंदर, और आपको साथ में मिलेगा दोनों के अलग अलग पैराग्राफ हिंदी के भी और इंग्लिश का भी। साथ में दोस्तों इसके अंदर मैं टाइपिंग के लिए भी 2 या 3 पैराग्राफ इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके लिए टाइपिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये बुक जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर आपको लॉन्च कर दूंगा, और इस बुक को आप ज्यादा से ज्यादा खरीदें और अपने दोस्तों के साथ में इस बुक के बारे में चर्चा करें। दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि पहले की तरह भी आपने बहुत सहयोग किया और अब भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे, बुक को कहीं भी शेयर ना करें और अपने कॉम्पिटिशन पर ध्यान देवें, अपने एग्जाम पर ध्यान देवें। उम्मीद करता हूं कि ये बुक आपके लिए बहुत सहायतापूर्ण रहेगी, और इस बात की मैं गारंटी भी लेता हूं कि इसमें से कोई बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था कि आपका 100 out of 100 मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो पड़ेगा क्वेश्चन वो बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, और आज आपके सामने आ गया होगा कि एकदम बेसिक क्वेश्चन ही आने वाला है। दोस्तों एक भी क्वेश्चन टफ और हार्ड नहीं आने वाला, ये मैं आपको गारंटी दिला रहा हूं, ठीक है। जितने भी कोचिंग वाले थे सब बच्चों को उलझा रहे थे इधर से उधर, लेकिन मैंने हमेशा आपको यही विश्वास दिलाया कि जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक आएंगे, और जिसका नतीजा जो आपके सामने है मॉक टेस्ट के अंदर और एग्जाम में भी आप ये देखना, अगर कोई पेज ब्रेक का या अलग अलग पेज में अलग अलग कलर देने का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं एग्जाम टास्क से KR गुजर इस चीज का आपसे वादा कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं मिल सकता। अगर आ जाए तो मुझे आप आके बता देना कि सर ये क्वेश्चन जो हमारा इस लेवल का आ गया था, हार्ड लेवल का आ गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, इस बात की आप मुझे मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और जैसा पहला बुक में देखने को आपको मिला था उससे बेहतरीन आपको करके दिखाऊंगा, इस बात का विश्वास कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप जल्दी इंतजार कीजिए और मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ हमारी एग्जाम टास्क की दूसरी बुक एफिशिएंसी की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 100 दिन 100 क्वेश्चनों का जो दोनों हिंदी और इंग्लिश का जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसका आपको मतलब टॉप लेवल का मैं आपकी तैयारी के अंदर सहायता मिलेगी, और आप जम करके ओनली 15 दिन के अंदर अपनी एफिशिएंसी के अंदर 50 में से 50 जो स्कोर है वो श्योर कर पाएंगे, इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बने रहिए एग्जाम के टास्क के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए कि एग्जाम टास्क की जो बुक सेकंड बुक आई है उसके लिए। और दोस्तों कल से मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और प्री लॉन्चिंग जो है प्री बुकिंग है वो भी आप इसकी करा सकते हैं। और जो प्राइस की बात है तो प्राइस की बात में आपको कोई भी एफिशिएंसी के अंदर प्राइस के अंदर मैं इंक्रीजमेंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सेम प्राइस के अंदर ओनली 40 रुपीज के अंदर ही से जो दूसरी बुक है वो भी आपके लिए लेकर के आया हूं। और दोस्तों मेरा उद्देश्य यहां पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपके लिए हेल्प करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, और आपकी हेल्प के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। और आज जो मैंने इतने दिन से बोल रहा था वो मैंने आज साबित भी कर दिया आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम कल हमारी जो क्लास होगी उसमें अब जो मैं इंसर्ट के आपको जो एडवांस लेवल क्वेश्चन करा रहा था वो मैं बंद कर दूंगा, टोटली आपको बेसिक क्वेश्चन ही कराए जाएंगे,
और सबसे बड़ी बात ध्यान रहे दोस्तों कि एग्जाम टास्क के जितने भी वीडियो है उनमें से एडवांस लेवल के आप नहीं देखे, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं हाइड कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन आप उस एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को नहीं देखे, ओनली बेसिक क्वेश्चन ही पढ़े, आपको बहुत फायदा मिलेगा, इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बतानी थी वो थी जिलों की चॉइस बनना। तो जिलों की चॉइस के लिए नोटिफिकेशन बोर्ड ने डाल दिया है, लिंक अभी तक कोई एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जैसे लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता दूंगा कि आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है और आप जिले की चॉइस से वो भर ले हैं। अभी तक आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है एडमिट कार्ड का अवेलेबल शून लिखा हुआ है, वो आप जब जिलों की चॉइस का जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद भरने के बाद में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख है, 28 अगस्त को रात 12 बजे तक आप बोर्ड की वेबसाइट पर अपने जिलों को प्राथमिकता भर सकते हैं और 14 से लेकर 28 आपकी लास्ट डेट रहेगी। और जिले अगर जिन्होंने नहीं भरे उनको फिर बोर्ड अपने हिसाब से जिले आवंटन कर देगा टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों जिलों की जो चॉइस है वो जरूर भर ले अपने अकॉर्डिंग, जहां पर आप आसानी से पहुंच पाओ, और अगर नहीं भरते हो तो फिर बोर्ड अपने हिसाब से देगा, जो दूर भी दे सकता है और नजदीक भी दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, एग्जाम टास्क के साथ में हमेशा बने रहना और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी बुक लॉन्चिंग का वीडियो जल्दी आएगा और आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और प्री बुकिंग जरूर आप अगर करवाते हैं तो बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। कल से मैं आपके लिए प्री बुकिंग का भी आपको जो भी सिस्टम होगा पूरी डिटेल वाइज वीडियो जो होगा वो आपके सामने जल्दी लेकर के आऊंगा। और अब हम क्लासे जो सारी करेंगे दोस्तों बेसिक क्लासे करेंगे, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और संयम बनाए रखें, और आपके लिए सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जितने भी कोचिंग वाले थे उनके आज सबके मतलब पर्दा उठ गया है, जिन्होंने मतलब बच्चों को गुमराह किया था उनका, तो और अब रही बात बच्चों की, तो बच्चे खुद अब समझदार हो चुके हैं, इतना एफिशिएंसी टेस्ट का मॉक पेपर देख लिया है तो उनको पता भी चल गया होगा किस तरीके से आना है और क्या कुछ होना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों धन्यवाद अगेन आपको, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक और शेयर आपके आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।